तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SL Teach में। आज जो है मैं क्लास 12th है सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हेनरी का नियम बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है हेनरी ने गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध का अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो दोबारा देख सकते हैं कि ये है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो अब ये लिख लेंगे हेनरी के नियम का गणितीय रूप। तो इसका गणितीय रूप भी लिखना है हमें। तो इसमें यदि द्रव के इकाई आयतन में घोली गई गैस की मात्रा m ग्राम है, यानी कि यदि जो गैस की मात्रा घोली गई है उसका वो m ग्राम है तथा विलयन के साथ गैस p दाब पर समावेशता स्थापित कर लेती है तो m समानुपाती p, ठीक है। तो m समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक kH नियतांक आएगा। ये क्या है, kH को हेनरी नियतांक कहते हैं। तो ये हेनरी का नियतांक है। इसमें था फिर इसके बाद, यदि विलयन में गैस के मूल अंश को उसकी विलेयता की माप मान लो तो हेनरी के नियम को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि xn समानुपाती pn और xn बराबर kH into pn। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।